सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल करंट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिमोट कंट्रोल कैसे काम करते हैं। रिमोट कंट्रोल से मेरा मतलब ऐसे रिमोट्स, यानी आप कह लो जो आपने टीवी का, ये टीवी का रिमोट है, एसी का, फैन का, बहुत सारे रिमोट कंट्रोल्स आज आ चुके हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल्स काम कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ। तो आप आज ये वीडियो देखते रहिए और आज हम बात करने वाले हैं रिमोट कंट्रोल्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी फ्यूचर में मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलो दोस्तों, अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आपको जाननी है कि एक टाइम था जब रिमोट कंट्रोल्स काम करते थे अल्ट्रासाउंड टोन टोन्स के ऊपर। बट आज के हम बात करने वाले हैं आज के रिमोट्स के बारे में, यानी इन रिमोट्स के बारे में। तो ये कैसे काम करते हैं, तो ये काम करते हैं इंफ्रारेड सिग्नल्स की बेस पे। इंफ्रारेड सिग्नल्स, अगर आपने कभी नोकिया का फ़ोन यूज़ किया होगा तो उसमें भी आपको मिलते हैं। पहले जो कुछ नोकिया के फ़ोन थे, जैसे 3110 क्लासिक कह सकते हो, 3110 क्लासिक, तो उसमें साइड पे आपको एक इंफ्रारेड का ऑप्शन मिलता है। ये जो है ना यहाँ पे, ये तो ये एक इंफ्रारेड सेंसर आप कह सकते हो इसे। तो ये इंफ्रारेड रेज हमारे टीवी या जहाँ पे भी रिसीव होनी है वहाँ तक सेंड करता है। वैसे उस फोन में भी लगा होता तो इंफ्रारेड कनेक्टिविटी हो जाती थी, फाइल्स ट्रांसफर कर सकते थे आप एक फ़ोन से दूसरे जिसमें इंफ्रारेड है। तो ये रिमोट्स भी इसी काम पे इसी बेस पे काम करते हैं आजकल के रिमोट्स मैक्सिमम। लेकिन आजकल एक और नए टाइप के रिमोट्स हैं, दो टाइप्स के। तो दूसरा है हमारे पास ब्लूटूथ रिमोट्स हैं। तो कॉमन एग्जांपल मैं इसके आपके दे दूँ, जो एयरटेल ने नया सेटअप बॉक्स लॉन्च किया अपना, एंड्रॉइड जो सेटअप बॉक्स लॉन्च किया एयरटेल डिजिटल टीवी ने, तो उसके साथ आपको ब्लूटूथ रिमोट मिलता है। उसके साथ वॉइस कमांड्स भी दे सकते हो, तो ब्लूटूथ का इसलिए उसमें नीड होती है क्योंकि उसमें आपको वॉइस कमांड्स देनी होती है। तो इस वाले रिमोट से आप वॉइस कमांड्स नहीं दे सकते हो, ये तो सिंपल है। अभी ये खाली टीवी को ऑपरेट करने में लगता है, ना कि वॉइस, क्योंकि स्मार्ट टीवी तो है नहीं, ये तो सिंपल है, सिंपल एलईडी टीवी का रिमोट है, स्मार्ट टीवी नहीं है, तो इसलिए इसमें ब्लूटूथ की नीड नहीं होती है। तो ब्लूटूथ रिमोट की हम अभी बात छोड़ देते हैं, बिकॉज मोस्ट कॉमनली अभी इंफ्रारेड रिमोट्स ही चलते हैं हर जगह पे। अभी भी मैक्सिमम रिमोट जो है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं, तो बेसिकली अगर आपको विजिबल इंफ्रारेड, सबसे पहले जो लाइट होती है ये जो ह्यूमन आइज होती है उनको विजिबल नहीं होती है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आप अपना जो ये रिमोट है, तो आप इसको कोई भी बटन प्रेस कर लो, आपको भी अभी दिखेगा क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये देखो अभी यहाँ पे रेड कलर की लाइट, मैं बटन प्रेस करता हूँ रेड कलर की लाइट, यानी इंफ्रारेड रेज है। लेकिन मैं अपनी तरफ, अगर मुझे नहीं दिखेंगी अभी, आपको भी नहीं दिखेंगी, लेकिन आप अपने जब स्मार्टफोन के कैमरा में या डिजिटल कैमरा कह सकते हो उसमें जब आप इसे देखोगे तो आपको ये दिखेगी, चाहे कैमरा कोई भी यूज़ कर रहे हो तो आपको ये लाइट ज़रूर दिखेगी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे वक्त या फोटो खींचते टाइम भी। तो ये होता क्या है, आपको रिसीवर एक टीवी में भी लगा होता है, यही इंफ्रारेड रिसीवर ही होता है, और इसमें भी एक जो इंफ्रारेड की कह सकते हो ट्रांसमीटर होता है, जो यहाँ से सिग्नल इंफ्रारेड सिग्नल्स आके भेजता है, फॉर्म्स ऑफ कोड्स, कोड्स की फॉर्म्स में भेजता है। यानी यहाँ से मैं बटन प्रेस करता हूँ वॉल्यूम अप का, तो जैसे मैं प्रेस किया तो यहाँ से कोड्स की फॉर्म में वो इंफ्रारेड के रेज की तरह, मतलब इंफ्रारेड कह सकते हो मीडियम है, और कोड्स की फॉर्म में वो यहाँ से डिटेल पहुँच रही है हमारे टीवी तक, एसी तक, किसी तक भी, और आगे वो फिर से डिकोड होता है और हमारे टीवी या एसी या किसी को भी समझ में आ जाता है कि हमें कमांड क्या दी गई है रिमोट से। तो वो उस बेसिस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल 1 हमने क्लिक किया यानी चैनल नंबर 1, तो उस हिसाब से वो कोड्स जनरेट होंगे और इंफ्रारेड के उसके थ्रू वो चले जाएंगे टीवी तक, मीडियम इंफ्रारेड है, तो उसके बाद फिर आपका टीवी कमांड समझ लेगा और उसे वैसे करेगा। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया इसीलिए क्योंकि हम रिमोट हर कोई यूज़ करता है, तो मुझे लगा कि अच्छा रहेगा ना कि हम एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं कि ये किस तरह काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अगर आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।